यहाँ पर पूरी घनी बस्ती हुआ करती थी। ये मिर्ज़ापुर में आता है और मिर्ज़ापुर आप देखो किस तरीके से टूट गया है, और ये सीधे जो है आगे जाता है एयरपोर्ट की बाउंड्री, यहाँ पर भी मिलेगी। देखिए किस तरीके से बड़े बड़े घर जो हैं। जय श्री राम, मैं हूँ पवन यादव अयोध्या से। गाइस जैसा कि जानते हैं कि मैं अयोध्या के लेकर बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ, आज हम आपको दिखाते हैं 14 कोसी परिक्रमा मार्ग। ये पाल चौराहा है, सीधे आप जाएंगे तो एयरपोर्ट वाला रास्ता मिल जाएगा, और ये रास्ते आप देखो कितने ज़्यादा चौड़े हो गए हैं। ये है 14 कोसी परिक्रमा मार्ग जो कि अयोध्या से और ये 4 नंबर बूथ होते हुए आचारी का सगरा होते हुए ये मिर्ज़ापुर और भी बहुत सारे गांव इसके बीच में आते हैं 14 कोसी में, और सीधे ये गुप्तार घाट फिर अयोध्या जाता है ये रास्ता। तो गाइस आज हम आपको दिखाते हैं यहाँ से दर्शन नगर तक, सूर्य कुंड तक किस तरीके से यहाँ पर निर्माण जो है 14 कोसी परिक्रमा का चल रहा है। और आप जानते हैं कि जो 14 कोसी परिक्रमा होता है वो हमारे अयोध्या में दीपावली के बाद में ही 14 कोसी परिक्रमा जो है वो सेलिब्रेट होता है, यानी मनाया जाता है। और यहाँ पर परिक्रमा किया जाता है 14 कोस और 5 कोस। 5 कोस का रूट अलग है, कुछ रूट हैं, कुछ रोड ऐसे हैं जो कॉमन है, बाकी जो है सेम है, यानी कॉमन है, बाकी और डिफरेंट है और अलग अलग है। जैसे कि ये 14 कोसी काफ़ी लंबा रास्ते पे ये जो है परिक्रमा जो है वो होता है। आप देखोगे ना किस तरीके से यहाँ पर जो घर आप देख रहे हो ना दोनों साइड में, यहाँ पर किस तरीके से टूटे हुए हैं। देखिए दोनों साइड में घर आपको यहाँ पर टूटे हुए दिख जाते हैं, लेफ्ट में राइट में दोनों साइड में। अभी हम आपको दिखाते हैं ऐसे से जो पूरे घर है ना, बहुत सारे घर ये आगे से देख रहे हो ना किस तरीके से पूरा टूटा हुआ है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए पूरा, देखिए राइट हैंड साइड भी देख सकते हो कि बड़े बड़े जो घर हैं एक एक दो दो फ्लोर के किस तरीके से टूटे हुए थे। देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए पूरा। यहाँ पर पूरी घनी बस्ती हुआ करती थी। ये मिर्ज़ापुर में आता है और मिर्ज़ापुर आप देखो किस तरीके से टूट गया है, और ये सीधे जो है आगे जाता है एयरपोर्ट की बाउंड्री, यहाँ पर भी मिलेगी। और देखिए किस तरीके से बड़े बड़े घर जो हैं दोनों साइड में ये पूरे टूटे हुए हैं। देखिए तो इसी तरीके से घर वगैरह बहुत ज़्यादा टूटे हैं, सीवर के काम हो रहे हैं साइड में। हमारे लेफ्ट हैंड साइड इधर साइड आप देख सकते हो किस तरीके सीवर के काम हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये पैदल यात्रा जो है 14 कोसी परिक्रमा जो है पूरा श्रद्धालु जो है करते हैं आके, और हमारे राइट हैंड साइड जो है सीवर के काम वो हो रहे हैं। इधर साइड में भी बहुत सारे घर जो आप देखे थे लाइन वाइज किस तरीके से पूरे टूटे हुए हैं। देखिए हमारे राइट हैंड साइड देखेंगे यहाँ पर सीवर के जो है सरिया वगैरह पूरे साँचे वगैरह लगाए जा रहे हैं, बाकी इधर साइड में भी आप घर देख सकते हो किस तरीके से बहुत ज़्यादा घर यहाँ पर टूटे हुए हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप देखो और राइट हैंड साइड भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा घर जो है वो भी टूटा हुआ है। ऐसे चलते हैं आगे और भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे कंडीशन जो है आपको देखने को मिलता है। देखिए और ये मंदिर भी हटेगा क्योंकि ये भी रोड पे ही है, बाकी रोड और काफ़ी ज़्यादा चौड़ा किया जा रहा है 14 कोसी और 5 कोसी। देखिए सीवर के काम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि बरसात भी आ जाएगा तो काफ़ी दिक्कत जो है वो भी होने जाएगी, और रोड कटान भी होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खुदाई वगैरह जो है वो हो चुका है। देखिए इधर साइड आप जो देख रहे हैं ना पूरा किस तरीके से इधर रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़ा करके गिट्टी वगैरह जो है पूरा एकदम पाट दिया गया है दोनों साइड में। तो देखिए कितनी ज़्यादा इसकी चौड़ाई जो है वो हो गई है। ये पूरा जो है 4 लेन ये पूरा बनेगा, तो जितने भी अयोध्या में मुख्य रोड है वो 4 लेन पास हो चुके हैं, वो 4 लेन पूरा बनेंगे ही। और जितने भी कॉलोनी वाले घर हैं नगर निगम में वो 20 फिट से 18, 16, 20 इतने तक जो है रोड फिट इतना रहेगा, इतनी चौड़ी रहेगी तो नगर निगम में। तो ऐसा सब जो है यहाँ पर पॉलिसीज़ जो हैं अलग अलग आ गए हैं अयोध्या नगर निगम में। तो देखिए कितनी ज़्यादा धूल उड़ा के जा रहे हैं भाई लोग ऐसे ऐसे। यहाँ पर देखिए सीवर के काम डबल पूरा किस तरीके से हो रहा है इधर। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे घर जो हैं ये टूटे हुए हैं, ये भी सीधे अंदर जाता है अयोध्या निकालता है। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो कि अयोध्या जाने के लिए हैं, और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये NH-27 से भी निकलता है और दर्शन नगर आचारी का सगरा, और इसी से ही इसी रास्ते से आप भरतकुंड जा सकते हैं, नंदीग्राम भी जा सकते हैं, नंदीग्राम भरतकुंड जिसे जहाँ पे प्रभु श्री राम जी के
छोटे भाई भरत जी तपस्या किए थे 14 साल, तो वहाँ पर भी यही रास्ते से जो है ऑटो वाले, टेम्पो वाले जो हैं और कैब वाले लेकर जाते हैं। जैसे कि आप देखो ये गाड़ी ये UP 32 की गाड़ी है, तो ऐसे ही है। यहाँ से भी आप नाका बाईपास जा सकते हैं हमारे यहाँ से राइट, और ये सीधे अचारी का सगरा, और अचारी सगरे से ही राइट हैंड साइड रास्ता कटा हुआ है जो कि सीधे नंदीग्राम भरतकुंड जाके निकलता है। तो यही सब है, ऐसे ऐसे पूरे बने हुए हैं। और आगे चलते हैं, और भी हम आपको पूरा दिखाते हैं। देखिए पूरा अभी यहाँ पे चौड़ीकरण बचा हुआ है, यहाँ पर भी चौड़ीकरण होगा पूरा, बाकी सीवर के काम वगैरह देखिए ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है इधर। तो इसी तरीके से सारे काम जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं। और आगे दिखाते हैं आपको अचारी का सगरा, यहाँ पर अचारी सगरा पे एक पेट्रोल पंप भी खुल गया है यहाँ पे, बाकी बहुत सारे शॉप खुल रहे हैं क्योंकि दर्शन नगर आप जब मार्केट जो देखते हैं वो टूट रहा है, तो उस वजह से ये अचारी का सगरा, ये जो गाँव वाला मार्केट है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में आया है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो इसकी मार्केट वैल्यू और यहाँ की ज़मीन की वैल्यू काफ़ी हाई हो गई है। अंदर में बहुत सारी ज़मीनें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी हैं। और ये वाला रास्ता जो है सीधे यहाँ से राइट जो जा रहा है वो सीधे जो है आपको भरतकुंड नंदीग्राम लेकर जाता है, और ये वाला रास्ता सीधे दर्शन नगर निकालता है और हनुमानगढ़ी निकालता है, और ये वाला सीधे रास्ता पूरा बाजार वाले रास्ते पर निकालता है, यानी अम्बेडकर नगर वाले रास्ते पर ये भी निकालता है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी मार्केटें देखें, यह माँ यशोदा पैलेस करके है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो यहाँ पे खुली हुई हैं देख सकते हो पूरा, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अयोध्या में हो गया है। गांव के जितने मार्केट हैं नियर बाई अयोध्या के वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप जो है वो हो चुके हैं। अभी आगे चलते हैं तो आपको दर्शन नगर रेलवे स्टेशन दिख जाएगा और सूर्यकुंड दिख जाएगा, फिर अम्बेडकर नगर रोड दिख जाएगा, क्योंकि अम्बेडकर नगर रोड के ही बगल में ही सटा हुआ जो है सूर्यकुंड है। देखिए यहाँ पर भी बड़े बड़े प्लॉटिंग चल रहे हैं, देखिए किस तरीके से, और यहाँ पर भी चौड़ीकरण देखिए ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर भी किए गए हैं, है ना, तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर भी जो है सीवर के काम जो है वो चल रहे हैं। यहाँ पर एक नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है इधर साइड से, जो कि खेत में से ही निकाला गया है पूरा नए, देख सकते हो ये साइड इधर से जो नया रास्ता है वो हम आपको दिखाते हैं। इधर नया फ्लाईओवर पूरा तैयार हुआ है इधर, ये देखिए पूरा भी स्टार्ट नहीं हुआ है, पूरा भी बना भी नहीं है, ये जब पूरा बन जाएगा ना तो ज़बरदस्त तरीके से पूरा ये चालू हो जाएगा। देखो ये पूरा नया रास्ता बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं पूरा नया ओवरब्रिज, तो इसी तरीके से जो काम है वो चल रहा है। तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट जो है अयोध्या में देखने को मिलते हैं आपको। ये पूरा देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना पूरा, ये सीधे जो है तो इधर साइड आप ओवरब्रिज देखें, और आप ये पूरा देखिए। अब मैं चलता हूँ आपको पूरा दिखाता हूँ भरतकुंड, सॉरी आपको दिखाता हूँ सूर्यकुंड वाले रास्ते पे। देखिए पूरा किस तरीके से पूरा बना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और इतना ज़्यादा धूल उड़ रहा है, खतरनाक तरीके से भाई धूल उड़ा के चला गया है ये। तो ऐसे ही रास्ता है, ये जो रास्ता है ये दूसरी साइड निकालता है, तो इसलिए मुझे घूम के दर्शन नगर साइड जाना है, तो वो जो रास्ता है वो गढ़ी का पुरवा और भी बहुत सारे गांव साइड वो निकालता है। तो इधर भाई चलेंगे हम, देखो वो रास्ता ओवर ब्रिज जब बन जाएगा ना तो वो इधर फाटक के साइड निकालेगा, और ये दर्शन नगर का सामने आप जो देख रहे हैं ये दर्शन नगर रेलवे स्टेशन है,
यहाँ पर भी गाड़ियाँ रुकती हैं इधर साइड, और नया ये पूरा बना हुआ है और भी भव्य ये बनने वाला है। देखिए ये ओवर ब्रिज के दूसरे साइड निकालता है और ये सीधे दर्शन नगर मार्केट साइड निकालता है। ये पूरा आपको दिखाते हैं, मैं भी पहली बार इधर आ रहा था तो कंफ्यूज हो गया। बाकी इधर पूरा फ्लाई ओवर जो है ये बन रहा है। देखिए ये ऐसे घूम के जाओ, देखो यहाँ पे बड़े बड़े किस तरीके से जो है पूरे बने हुए हैं। तो ये पावर हाउस है अयोध्या दर्शन नगर का इधर साइड, ये रेलवे पावर हाउस है ये, और कॉलोनी भी यहाँ पर पूरा बना हुआ है, कार्यालय वगैरह भी इसमें ही है। देखिए और जस्ट बगल में ही आपको सूर्य कुंड, प्राचीन कुंड दिख जाता है जहाँ पे सब लोग स्नान करते हैं, और ये भी इसका भी डेवलपमेंट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया गया है। देखिए ये गेट है, इसमें चार गेट है चारों दिशाओं में, और एक कुंड है ये अंदर में, यहाँ पर लेजर शो वगैरह होता है 6 बजे 7 बजे तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आके। तो आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आगे ही आपको ये पूरा, ये भी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में ही आता है पूरा, आप किनारे किनारे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी है बाउंड्री है कुंड की। और सामने आपको हम दिखाते हैं अम्बेडकर नगर रोड, जो कि पूरा बाज़ार, गोसाईगंज और भी हर जगह ये बड़े बड़े जगहों पर लेकर जाता है। ये हाईवे है ये, जो कि NH 27 देवकाली बाईपास से निकला हुआ है। तो अब बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।